हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हो। मैं सोनी, आपकी हिंदी की अध्यापिका। आज हम इस सेशन में हम पढ़ेंगे आपकी वसंत की पाठ्यपुस्तक में से पार्ट 9। ये एक बहुत सुंदर सी कहानी है, टिकट एल्बम। इस कहानी के लेखक श्री राम सुंदरा राम स्वामी जी हैं, जिन्होंने इस कहानी को तमिल भाषा में लिखा था और इसका हिंदी में अनुवाद जिन्होंने किया वो है सुमिति अय्यर। ठीक है, और चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। पर इस कहानी को शुरू करने से पहले आप मुझे ये बताइए, कभी आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपकी टीचर ने आपको असाइनमेंट दी हो, आपने उसको बहुत ज्यादा मेहनत से बनाया हो, अलग अलग चीजों को जैसे डाटा इकट्ठा किया हो या कोई भी अलग अलग चीजें इकट्ठा करके उसको बनाया हो बहुत मेहनत से, और आपका जो फ्रेंड है उसने बिल्कुल भी मेहनत खुद नहीं की, अपनी दीदी से या बड़े ब्रदर सिस्टर भाई बहन से बनवाया हो या किसी और की मदद से जिसमें उसकी मेहनत नहीं लगी, बट उसने दूसरों की मदद से वो दूसरों ने ही उसकी वो असाइनमेंट पूरी की हो, तो आपको कैसा लगेगा अगर आपकी जो टीचर हैं आपकी बजाय उसके आपके फ्रेंड के असाइनमेंट की ज्यादा तारीफ करें। उसी तरह से इस कहानी में भी सेम फीलिंग है। इस कहानी में क्या है, ईर्ष्या के भाव को प्रकट किया है। ठीक है, और इसमें क्या किया हुआ है, इसमें उन्होंने मेहनत भी ना की हो। ठीक है, चलो अब इस कहानी को शुरू करते हैं। ये दो लड़कों की कहानी है, एक राजप्पा और दूसरा नागराजन। इस कहानी में अब राजप्पा को कोई नहीं पूछता था। राजप्पा क्या कौन है, मान लीजिए आप ही हो, आपने बहुत मेहनत से अपनी असाइनमेंट बनाई है। उसी तरह से राजप्पा था, उसने अपनी एक टिकट एल्बम बहुत मेहनत से बनाई थी। ठीक है, अब उसको पहले सभी उसको पूछते थे, अब उसको कोई नहीं पूछता। आजकल सबके सब नागराजन को घेरे रहते हैं। नागराजन घमंडी हो गया है, राजप्पा सारे लड़कों में कहता फिरता, पर एक ही राजप्पा कहता है कि नागराजन को जो है ज्यादा घमंड हो गया है। क्यों? क्योंकि उसकी एल्बम जो है ज्यादा सुंदर बन गई है। पर लड़के भला कहाँ उसकी बातों पर ध्यान देते हैं। नागराजन के मामा जी ने ये एल्बम कहाँ से मिली थी उसको, नागराजन ये नागराजन है, इसको कहाँ से मिली थी एल्बम, ये उसके मामा जी ने कहाँ से भेजी थी, सिंगापुर से एक एल्बम भिजवा कर भेजा था। वह लड़कों को दिखाया करता, सुबह पहली घंटी के बजने तक सभी लड़के नागराजन को घेर के एल्बम देखा करते, क्योंकि फर्स्ट जो बेल होती है उससे पहले वो जो नागराजन होता था वो सभी बच्चों को दिखाता रहता था, वो अपनी एल्बम को सभी बच्चे उसको घेर कर रखते थे। इस तरह से सुबह आधी छुट्टी के वक्त भी उसके आसपास लड़कों का जमघट लगा रहता। जमघट मीन्स आसपास जमा रहते, वो घेरे रहते लड़के उसको। कई लोग टोलियों में उसके घर तक हो आते, क्योंकि कई ग्रुप्स बनाकर उसके घर पे भी जाते उसकी एल्बम को देखने। नागराजन शांतिपूर्वक सभी को अपना एल्बम दिखाता पर किसी को हाथ नहीं लगाने देता, एल्बम को गोद में रख लेता और एक एक पन्ना पलटता, पन्ना मीन्स पेजेस पलटता रहता। लड़के बस देखकर खुश होते। ठीक है, ऐसे ही क्या होता है, देखिए आपने भी इसको रीड करना है इस लेसन को। ठीक है, और तो और कक्षा की लड़कियां भी उसकी एल्बम को देखने के लिए उत्सुक थी, ये कि एक्साइटेड थी। जो उस क्लास की सबसे आगे रहने वाली लड़की थी ना, इंटेलिजेंट लड़की जिसको बोलते हैं, पार्वती थी। पार्वती लड़कियों की अगुवा बनी, मीन्स उसका मॉनिटर बनी हुई थी सबसे आगे, और एल्बम मांगने आई। लड़कियों में वही तेज तरार मानी जाती थी, क्योंकि बहुत ज्यादा जो चुस्त होती है, चालाक होती है, वो थी पार्वती। नागराजन ने कवर चढ़ाकर एल्बम उसे दिया। नागराजन ने क्या किया, कवर चढ़ा दिया। शाम तक लड़कियों और लड़कियां एल्बम देखती रही, फिर उसे वापस कर दी। उसने नागराजन ने कवर इसलिए चढ़ाया था ताकि उसकी जो एल्बम है वो खराब ना हो। फिर शाम तक जो लड़कियां हैं उस एल्बम को देखती देखती रही और देखने के बाद उसको वापस कर दी।
अब राजप्पा के एल्बम को कोई पूछने वाला नहीं था, जिसने बहुत मेहनत से बनाई थी फर्स्ट डे, है ना, तो उसकी एल्बम को अब कोई नहीं पूछता था। वाकई उसकी शान अब घट गई थी। राजप्पा के एल्बम की लड़कियों में काफी तारीफ रही थी। पहले जो था, जब तक नागराजन की एल्बम नहीं थी, तो उससे पहले सिर्फ और सिर्फ राजप्पा की एल्बम जो थी वो सबसे ज्यादा अच्छी थी। मधुमक्खियों की तरह उसने एक एक करके टिकट जमा किए थे, क्योंकि बहुत मधुमक्खियां भी तो अपना जो शहद होता है एक एक करके थोड़ा थोड़ा करके जमा करती है ना, उसी तरह से जो राजप्पा था उसने टिकट की जो एल्बम थी एक एक करके बहुत बड़ी मुश्किल से जमा किए थे। उसे तो बस एक यही धुन सवार थी, सुबह 8 बजे वे घर से निकल पड़ता टिकट जमा करने वाले वाले सारे लड़कों के चक्कर लगाता, क्योंकि उसको पता लगता ना किसी लड़के के पास कोई टिकट है तो वो सुबह सुबह ही निकल जाता 8 बजे, और उस लड़के से टिकटें इकट्ठा करने लग जाता अलग अलग लड़कों से। ऑस्ट्रेलिया के टिकटों के बदले एक फिनलैंड का टिकट लेता, दो पाकिस्तान के बदले एक रूस का, ऐसे ही वो एक्सचेंज करता रहता था। जो इसकी वैल्यू उसको जिसकी कीमत उसको लगती थी ज्यादा है, तो वो उसके बदले दूसरों से टिकट ले लेता था। बस शाम जैसे ही घर लौटता, बस्ता कोने में पटक कर अम्मा से चबेना लेकर, चबेना मीन्स जैसे चबाने वाली चीज, जैसे चने वगैरह हुए, लेकर निक्कर की जेब में भर लेता और खड़े खड़े कॉफी पीकर निकल जाता। 4 मील दूर अपने दोस्तों के घर से कनाडा का टिकट लेने पगडंडियों में होकर भागता। ठीक है, वो ऐसे ही फटाफट भागता जब उसको पता लगता कि यहाँ पर टिकट है या वहां पर टिकट है। उसी वजह से स्कूल भर में उसका एल्बम सबसे बड़ा था। जैसे वो पहले नागराजन के एल्बम से पहले उसका सबसे बड़ा एल्बम था। सरपंच के लड़के ने उसके एल्बम को 25 रुपए में खरीदना चाहा, क्योंकि सरपंच का जो लड़का था उसने उसको पैसे देकर 25 रुपए दिए और कहा कि ये एल्बम मुझे दे दो। पर राजप्पा नहीं माना। घमंडी कहीं का राजप्पा बड़बड़ाया था। फिर उसने क्या कहा कि वो घमंडी है, पैसे दिखाकर उसकी चीजों को लेना चाहता है। फिर उसने तीखा जवाब दिया था, तुम्हारे घर में जो प्यारी बच्ची है ना उसे दे दो ना 30 रुपए में। सारे लड़के ठहाका मार कर हंस पड़े थे, ठहाका मीन्स जोर से हंस पड़े थे। पर अब कोई उसके एल्बम की बात तक नहीं करता, और तो और अब सब उसके एल्बम की तुलना नागराजन के एल्बम से करने लगे। अब देखो यहाँ पर कंपैरिजन करने लगे नागराजन और किसकी, राजप्पा की एल्बम की। सबसे सब कहते हैं कि राजप्पा का एल्बम फसीटी है, फसीटी मीन्स वेस्ट है, कि बेकार है ऐसा है। पर राजप्पा ने नागराजन के एल्बम को देखने की इच्छा कभी नहीं प्रकट की। लेकिन जब दूसरे उसके कि जैसे वो दूसरों को क्लास में या बाहर अपने घर पे दिखाता था ना, तो क्या होता था, वो नीची नजरे करके उस एल्बम को देखता था। ये दोनों पहले बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते थे, नागराजन और राजप्पा दोनों अच्छे दोस्त थे। ठीक है, तो इसलिए वो जब पहले इससे पहले जब जब तक उसकी नागराजन की एल्बम नहीं आई थी, सचमुच नागराजन का एल्बम बेहद प्यारा था। पर राजप्पा के पास जितने टिकट थे उतने नागराजन के पास एल्बम में नहीं थे। जो उसने नागराजन की बहुत अच्छी सी एल्बम थी पर उसमें थोड़े ही थे टिकट, उसके जो मामा ने एल्बम भेजी थी सिंगापुर से उसमें थोड़े टिकट थे। पर राजप्पा की एल्बम में बहुत सारे टिकट थे, पर फिर भी जो अट्रैक्टिव आकर्षक होती है वो नागराजन की एल्बम ही लगती थी। पर उस खुद उसका एल्बम ही कितना प्यारा था, उसे छू लेना ही कोई बड़ी बात थी। इस तरह का एल्बम यहाँ थोड़ी मिलता है, क्योंकि वो सिंगापुर से आया हुआ था, इसलिए सबको ज्यादा उत्सुकता थी उस एल्बम को देखने की। एल्बम के पहले पृष्ठ में ने पेज पर मोती जैसे अक्षरों में उसके मामा ने लिख भेजा था। क्या लिखा हुआ था मोती जैसे अक्षरों में, A.M. नागराजन, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम। उसकी एल्बम के बाहर ही ये सारी चीजें लिखी हुई थी उसके मामा ने, इस एल्बम को चुराने वाला बेशरम है, ऊपर लिखे नाम को कभी देखा है, यह एल्बम मेरा है। जब तक घास हरी है और कमल लाल है, सूरज जब तक पूर्व से उगे और पश्चिम में छिपे, यानी कि ये सारी चीजें तो होनी ही होनी है,
ये उस अनंत काल तक के लिए ये एल्बम मेरा रहेगा। इसका मतलब ये है कि जब तक ये दुनिया चलती रहनी है, ये कि सदा के लिए ही ये एल्बम किसका है, नागराजन का। लड़कों ने इसे अपने एल्बम में उतार लिया, जैसे उसकी कॉपी थी ये सारी चीजें बाहर लिखा हुआ था, वैसे ही उन्होंने लड़कों ने भी उसकी सेम कॉपी कर ली, और लड़कियों ने झट कॉपियों और किताबों में टीप लिया, ये कि सेम सेम चीटिंग करके उसने उन्होंने भी लिख लिया। तुम लोग ये नकल क्यों करते हो, नकलची कहीं के, राजप्पा ने लड़कों को घुड़की दी जोर से, यानी कि बोल के लड़कों को, जैसे गुस्से से बोलता है कोई उस वे से बोलकर राजप्पा ने क्या किया, कहा कि तुम लोग तो नकल करते हो, नकलची हो। सब चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया, सारे चुप रहे पर कृष्णन से नहीं रहा गया। जा जा, जलता है ईर्ष्यालु कहीं का। यहाँ पे किसका भाव प्रकट हो रहा है, ईर्ष्या का, मीन्स जेलसी की फीलिंग आ रही है किसको, राजप्पा को, जब वो सारी ये चीजें कह रहा है। मैं कहा को काहे को जलूं, जले तेरा खानदान, मेरा एल्बम उसके एल्बम से कहीं बड़ा है। राजप्पा ने शान बघारी, उसने, यह राजप्पा ने प्राउडली फील करते हुए कि शान से कहा कि मेरा एल्बम जो है ज्यादा अच्छा है। ठीक है, अपने दोस्त को जैसे कोई ईर्ष्या में जलता है ना, उस वजह से अब उसको गुस्सा आ रहा है। ठीक है, अरे उसके पास जो टिकटें हैं वह है कहीं तेरे पास, सब क्यों, बस एक इंडोनेशिया का टिकट दिखा दो। अरे पानी भरोगे, हाँ, कृष्णन ने छेड़ा। कृष्णन अब उसको, राजप्पा को कह रहा है कि तेरे पास, उसके पास जो टिकटें हैं तेरे पास है, सिर्फ बस एक इंडोनेशिया की ही दिखा दे, फिर मान जाऊंगा इनकी, पर मेरे पास जो टिकट है वे कहाँ, उसके पास। राजप्पा ने कहा कि फिर ललकार कर कहा कि जो मेरे पास टिकटें हैं वो उसके पास कहाँ है, नहीं है ना। तो ऐसे ही ठीक है, 10 रुपए की शर्त, मेरे वाले टिकट दिखा दो। तुम्हारा एल्बम कूड़ा है, कृष्णन चीखा। हाँ, कूड़ा, लड़के जैसे कोर्स गाने लगे। ठीक है, जैसे एक ही धुन में गाने लगते हैं ना, उस वे से सभी लड़के क्या करने लगे, गाने लगे, धुन में गाने लगे ना, उस वे से उसको छेड़ने लगे सारे, तेरा एल्बम तो कूड़ा है। ठीक है, अब राजप्पा को लगा कि अपने एल्बम के बारे में बातें करना फजूल है। उसने कितनी मेहनत और लगन से टिकटें बटोरी हैं, बटोरे बटोरे मींस इकट्ठे किए। सिंगापुर से आए इस एक पार्सल ने नागराजन को एक ही दिन में मशहूर कर दिया, पर दोनों में कितना अंतर है, ये लड़के क्या समझेंगे। वो अपने मन में यही सोच रहा है कि उसने कितनी मेहनत से ये चीजें इकट्ठी की हैं, पर उसको तो नागराजन को की कराई मेहनत सभी मिल गई है ना। राजप्पा मन ही मन में कुढ़ रहा था, स्कूल जाना अब खलने लगा था, खलने मीन्स उसको अब मुश्किल लगने लग गया था स्कूल जाने के, क्योंकि वो सारे अब स्कूल के जो उसके फ्रेंड्स थे उसको छेड़ने लगे हैं, और लड़कों के सामने जाने में शर्म आने लगी। आम तौर पर शनिवार और रविवार को टिकट की खोज में लगा रहता, परंतु अब घर घुसा हो गया था, घर घुसा मीन्स घर के अंदर ही बैठा रहता था, यानी कि घर घुसा हो गया था। ठीक है, दिन में कई बार एल्बम को पलटता रहता, रात को लेट जाता, सहसा जाने क्या क्या सोचकर उठा, ट्रंक खोलकर एल्बम निकाला और एक बार पूरा देख जाता। उसे एल्बम से चिढ़ होने लगी थी, उसको अब अपनी ही एल्बम से चिढ़ होने लगी थी। उसने क्या किया, अब देखिए, उसे लगा एल्बम वाकई कूड़ा हो गया। उसको भी अब फील होने, महसूस होने लग गया था कि उसका एल्बम सचमुच में कूड़ा हो गया। उस दिन शाम उसने जैसे तय कर लिया था, वह नागराजन के घर गया। अब उसने कोई कितना अपमान सहे, पहले दोनों एक दूसरे के फ्रेंड्स थे, तो उसके घर में वो अचानक से भी चला जाता था, कोई भी उसके घर वाले भी उसको रोकते नहीं थे, इसलिए वो उसका फ्रेंड था ना, क्योंकि इसलिए ना। अब आज भी वो उसी के घर गया बिना कुछ के, अपना कि उसको अब कोई कितना अपमान सहे, वो अब कहता है अपने मन में कि अब कितना भी अपमान सहूंगा मैं, इस चीज का सलूशन तो होना चाहिए ना कोई इसका सलूशन होना चाहिए। उसी वैसे उस चीज को सोचते हुए वो नागराजन के घर गया। नागराजन के हाथ अचानक एक एल्बम लगा,
है, बस यही ना वो अपने मन में सोचता है, वो रास्ते में सोचता हुआ ये जा रहा है। वे क्या जाने टिकट कैसे जमा किए जाते हैं, एक एक टिकट की क्या कीमत होती है, वे भला क्या समझे। सोचता होगा टिकट जितना बड़ा होगा वे उतना ही कीमती होगा, या फिर ये सोचता होगा कि बड़े देश का टिकट कीमती होगा, वे भला क्या समझे ना। ये अब क्या है, राजप्पा जो है पर में अपने मन में नागराजन के लिए ये सारी बातें सोचता जा रहा है। उसके पास जितनी भी फालतू टिकट हैं उन्हें टरका कर उससे अच्छे टिकट झाड़ लेता लेगा, ठीक है। किनों को तो उसने यूं ही उल्लू बनाया है, कितनी चालबाजी करनी पड़ती है। नागराजन भला किस खेत की मूली है, वो कहता मैंने बड़ों बड़ों को कि अलग अलग जो चालाक लोग होते हैं उसको उनको भी ऐसी वैसी टिकटें देकर तो अच्छी अच्छी टिकटें बटोर लिया, और अब तो नागराजन तो क्या चीज है। वो ये सोच रहा है राजप्पा उसके घर जाते जाते, कि अपने घर से उसके घर के रास्ते में ये सोच रहा है। राजप्पा नागराजन के घर पहुंच चुका है, पहुंचकर ऊपर गया। चूंकि वे अक्सर आया जाया करता था सो किसी ने नहीं टोका। ऊपर पहुंचकर वह नागराजन की मेज के पास पड़ी कुर्सी पर बैठ गया। कुछ देर बाद नागराजन की बहन कामाक्षी ऊपर आई। उसने क्या कहा, अब कामाक्षी ऊपर आई, भैया शहर गया है। अरे हाँ, तुमने भैया का एल्बम देखा, उसने पूछा। अब उसकी जो बहन है कामाक्षी, उसने भी वही प्रश्न किया उससे कि तुमने भैया का एल्बम देखा है। अब वो फिर से चिढ़ के जाता है इस चीज को सुनकर। हूँ, राजप्पा को हाँ कहने में भी हटकड़ी हो रही थी, मींस हिचकिचाहट, हेजिटेशन हो रही थी। बहुत सुंदर एल्बम है ना, सुना है स्कूल भर में किसी के भी पास इतना सुंदर एल्बम नहीं है, उसकी बहन कहती है। किससे, राजप्पा से कहती है। अब उसने उससे तुमसे किसने कहा, भैया ने, वे कुड़ गया। फिर उसने, राजप्पा ने इससे पूछा उसकी बहन से तुमसे किसने कहा, तो वो कहती कि मेरे भाई ही, मेरा भाई ही कहता है। वो फिर से कुड़ गया यानी कि चिढ़ गया। बड़े बड़े से क्या मतलब हुआ, आकार में बड़ा हुआ तो एल्बम बहुत बड़ा हो गया। उसकी चिड़चिड़ाहट साफ थी यानी कि वो साफ दिख रहा था उसके वर्डिंग से, शब्दों से, कि वो ईर्ष्या उसको हो रही है यानी कि जलसी हो रही है। कामाक्षी कुछ देर तक वहीं रही फिर नीचे चली गई। राजप्पा मेज पर बिखरी किताबों को टटोलने लगा, मींस उनमें से ढूंढने लगा। अचानक उसका हाथ दराज के ताले से टकरा गया। उसने ताले को खींचकर देखा, बंद था। क्यों ना उसे खोलकर देख लिया जाए। मेज पर से उसने चाबी ढूंढ निकाली। सीढ़ियों के पास जाकर उसने एक बार झांक कर देखा, उसने जाकर देखा, सीढ़ियों के पास था उसका कमरा, तो उसने सीढ़ियों के पास जाकर एक बार देखा। नागराजन के कमरे में गया था ना वो, ठीक है। फिर जल्दी से दराज खोली, एल्बम ऊपर ही रखा हुआ था। अगला पृष्ठ, पहला पृष्ठ खोला, पृष्ठ में नए पेज, उन वाक्यों को उसने दोबारा पढ़ा। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। एल्बम को झट कमीज के नीचे खोस लिया, मींस अंदर की तरफ कर लिया कमीज के, और दराज बंद कर दिया। सीढ़ियां उतर कर घर की ओर भागा। उसने फटाफट उसकी, नागराजन की जो एल्बम थी, राजप्पा ने फटाफट उठा ली और अपने घर ले गया छुपाकर। घर जाकर सीधा पुस्तक की एल्बम के अलमारी के पास गया। वो अपने सीधा, किसी से बात नहीं की उसने, सीधा अपने रूम में गया, अपने कमरे में गया और अपनी जो बुक की अलमीरा होती है, पुस्तक की अलमारी होती है, उसके पास गया और पीछे की ओर एल्बम छिपा दिया। उसने बाहर आकर झांका, पूरा शरीर जैसे जलने लगा। अब उसको डर लग रहा था, तो क्या है वो फटाफट, ये इसने एक हिसाब से चोरी की ना उसकी एल्बम की, तो उसका घर आकर पूरा शरीर जलने लगा, गला सूख रहा था और चेहरा तमतमाने लगा था, ठीक है। रात 8 बजे अप्पू आया। अप्पू भी उनका एक फ्रेंड होता है। हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई, ठीक है। सुना तुमने, नागराजन का एल्बम खो गया। अब अप्पू ने आगे राजप्पा को बताया कि आप हाथ पांव हिलाकर उसने पूरी बात कह सुनाई। उसने कि अप्पू ने राजप्पा को बताया कि सुना है तुमने कि नागराजन का एल्बम खो गया है, हम दोनों शहर गए हुए थे, लौट कर देखा तो एल्बम गायब।
राजप्पा चुप रहा। उसने अप्पू को किसी तरह से टाला। अब उसको और घबराहट होने लगी, तो उसने क्या किया कि अप्पू को फटाफट अपने घर से भगाने की। उसने जाते ही उसने झट कमरे का दरवाजा भिड़ा लिया, मींस बंद कर दिया, और अलमारी के पीछे से एल्बम निकालकर देखा, उसे फिर छिपा दिया। डर था कहीं कोई देख ना ले। अब उसको डर लगने लग गया और भी ज्यादा, है ना। रात में खाना नहीं खाया, पेट जैसे भरा हुआ था। सारा घर चिंतित हो गया, इनके उसके घर वालों को भी चिंता होने लगी कि इसको क्या हो गया, उसने रात का खाना भी नहीं खाया, ठीक है। उसका चेहरा भयानक हो गया था। रात उसने सोने की कोशिश की पर नींद नहीं आई। एल्बम सिरहाने तकिए के नीचे रख कर सो गया। सुबह अप्पू दोबारा आया। राजप्पा तब भी बिस्तर पर ही बैठा था। अप्पू सुबह नागराजन के घर होकर आया था। कल तुम्हें उसके घर गए थे, अप्पू ने पूछा। वो अब अप्पू राजप्पा से पूछ रहा है कि तुम उसके घर गए थे। राजप्पा की सांसें जैसे ऊपर की ऊपर नीचे की नीचे रह गए। उसको लगा कि उसको उसने पकड़ लिया है, तो इसलिए वो उसको डरने लगने लगा और फिर सिर हिला दिया। उसने उसे बोला भी नहीं गया और सिर्फ सिर हिला दिया नहीं वाला। फिर वह जिस तरह चाहे सोच ले, ठीक है। कामाक्षी ने कहा था कि हमारे जाने के बाद खाली तुम वहां आए थे, अप्पू बोला। राजप्पा को समझते देर नहीं लगी कि अब सब उस पर शक करने लगे हैं। अब उसके लगा कि कामाक्षी ने भी बता दिया, जो कि उसकी नागराजन की सिस्टर बहन थी, तो उसने बता दिया, तो अब तो पूरा का पूरा शक इस पे ही जा रहा है। कल रात से नागराजन लगातार रोए जा रहा है, उसके पापा शायद पुलिस को खबर दे, अप्पू ने फिर से कहा। अब अप्पू ने कहा बताया उसको राजप्पा को कि उसके पापा वो रात से रो रहा है नागराजन, क्योंकि उसकी एल्बम जो है चोरी हो गई है, पर उसके पापा पुलिस में है। देखो अब क्या होता है। राजप्पा फिर भी चुप रहा। उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में ही तो काम करते हैं, ठीक है। बस वह पलक झपकते और पुलिस की फौज हाजिर। वो फिर अप्पू उसको बताता है और उसको घबराहट पैदा हो जाती है। बताता है कि जैसे आग में घी डालती है, मींस जो अगर कोई बात हो तो उसको और बढ़ा चढ़ा कर बताना, वो चीज होता है ना, उस चीज को और जलती हुई बात को और बढ़ा देना। तो अप्पू अब नागराजन को बताता है, इसको राजप्पा को बताता है कि उसके पापा डीएसपी के दफ्तर में लगे हुए हैं, जब भी वो बोलेंगे तो फटाफट जो है पुलिस आ जाएगी। ये तो भला हुआ कि अप्पू का भाई उसे ढूंढता हुआ आ गया और अप्पू चला गया। अब राजप्पा कहता है कि ये तो अब उसको भला हो गया कि अप्पू का भाई उसे ढूंढ रहा था सुबह से, तो फिर अप्पू अपने भाई के साथ चला गया। राजप्पा के पापा दफ्तर चले गए थे। बाहर का किवाड़ बंद था, किवाड़ में ने दरवाजा। राजप्पा अभी तक बिस्तर पर बैठा हुआ था। आधा घंटा गुजर गया और वे वहीं उसी तरह से बैठा रहा। तभी बाहर की साकल खटकी, साकल मैंने कुंडी जो होती है, पुलिस राजप्पा बुदबुदाया। फिर राजप्पा को लगा कि शायद पुलिस आ गई। बाहर की कुंडी जो खड़की थी, भीतर साकल लगी थी, मीन्स अंदर से कुंडी लगी हुई थी। दरवाजा खटखटाने की आवाज तेज हो गई। राजप्पा ने तकिए के नीचे से एल्बम उठाया और ऊपर भागा, अलमारी के पीछे छिपा दी। नहीं, पुलिस ने अगर तलाशी ली तो पकड़ा गया। अब जो राजप्पा है वो अपने आप से बातें कर रहा है, पहले वो फटाफट कुंडी की आवाज सुनते ही ऊपर की तरफ भाग गया। अब उसने उसको सोचा कि अलमारी के पीछे छुपा दूं, फिर वो सोचता है नहीं, अगर पुलिस ने पकड़ लिया, तलाशी ली तो क्या होगा। एल्बम को कमीज के नीचे छिपाकर वह नीचे आ गया। बाहर का दरवाजा अब भी बज रहा था। कौन है, अरे दरवाजा क्यों नहीं खोलता, अम्मा भीतर से चिल्लाई। उसकी जो मम्मी है वो अंदर से बोली कि ऊपर नीचे जा रहा है कि दरवाजा क्यों नहीं खोल रहा। थोड़ी देर और हुई तो अम्मा खुद ही उठकर चली आई, ठीक है। राजप्पा पिछवाड़े की ओर भागा, इनके पिछली साइड की ओर भाग गया। जल्दी से बाथरूम में घुसकर दरवाजा बंद कर लिया। उसने क्या किया है, अब दरवाजा बंद कर लिया बाथरूम में जाकर। अम्मा ने अंगीठी पर गर्म पानी की देगची चढ़ा रखी थी, वहां पर उसके नहाने के लिए पानी गर्म हो रहा था अंगीठी पर, तो वो उसको देखता है, उसने एल्बम को अंगीठी में डाल दिया,
ठीक है, एल्बम झरने लगी, कितने प्यारे टिकट थे। राजप्पा की आंखों में आंसू आ गए। अब देखो वो जल्दी से घबराहट में उसने क्या किया, उस जो एल्बम की थी नागराजन की, उसको क्या किया, अंगीठी में डाल दिया ताकि, ठीक है। और पर जब उसके पेजेस जलने लगे ना, तो उसको आंखों में भी आंसू आ गए। तभी अम्मा की आवाज आई, जल्दी से आ तो नहाकर, नागराजन तुम्हें ढूंढता हुआ आया है। राजप्पा ने निक्कर उतार दी और गीला तौलिया लपेट कर बाहर आ गया। कपड़े बदल कर वह ऊपर गया। नागराजन कुर्सी पर बैठा हुआ था, उसे देखते ही बोला, मेरा एल्बम खो गया है यार। उसका चेहरा उतरा हुआ था, काफी रोकर आया था शायद। अब देखो क्योंकि दोनों पुराने दोस्त थे नागराजन और राजप्पा, अब नागराजन जो है राजप्पा को देखते ही उसको रो पड़ा, उसको देखते ही कि मेरी एल्बम जो है वो गुम हो गई है, वो जोर जोर से रोने लगा। कहाँ रखा था तुमने, राजप्पा ने पूछा, शायद दराज में, शहर से लौटा तो गायब। नागराजन की आंखों में आंसू आ गए। राजप्पा से चेहरा बचाकर उसने आंसू आंखें पोंछ ली। अब दोनों की आंखों में आंसू आ रहे थे, उसको पता था कि उसने एल्बम जला दी है, तो और हो गया था। फिर रो मत यार, राजप्पा ने उसे पुचकारा। अब ये देखो इसको बोल रहा है कि रो मत तू। वे फफक फफक कर रो दिया कि जोर जोर से रो रहा था वो। राजप्पा झट नीचे उतर कर गया। एक मिनट में वह ऊपर नागराजन के सामने था। उसने उसके हाथ में उसका अपना एल्बम था। अब देखो ये देखो ये कौन है, राजप्पा और ये नागराजन। अब ये राजप्पा जो है अपनी एल्बम लेके आता है उसके पास। लो ये रहा मेरा एल्बम, अब इसे तुम रख लो। ऐसे क्यों देख रहे हो, मजाक नहीं कर रहा, सच कहता हूँ, इसे अब तुम रख लो, बहला रहे हो यार। अब नागराजन को जैसे यकीन नहीं आया ये, क्योंकि इसके लिए भी वो मेहनत से बनाई हुई थी, बहुत प्यारी थी, जान से भी प्यारी थी, और इसके लिए अपनी एल्बम जान से प्यारी थी। तो अब ये इसकी तो गुम हो गई, पर इसको समझ नहीं आ रहा था नागराजन को कि राजप्पा अपनी एल्बम मुझे क्यों दे रहा है। फिर उसको कह रहा है कि मुझे बहला रहा है, यकीन ही हो रहा था इसको कि वो अपनी एल्बम दे देगा उसको। नहीं यार, सचमुच तुमको दे रहा हूँ, रख लो। राजप्पा भला अपना एल्बम उसे दे दे, कैसा चमत्कार। नागराजन को अब भी यकीन नहीं आ रहा था, पर राजप्पा अपनी बात बार बार दोहरा रहा था। उसका गला भर आया था, जैसे रोते रोते गला भर आता ना, आवाज नहीं निकलती, तो ऐसे कहते हुए वो अपनी एल्बम जो है इसको दे देता है नागराजन को। अब क्या होता है देखिए, ठीक है मैं इसे रख लेता हूँ, पर तुम क्या करोगे, मुझे नहीं चाहिए। क्या तुम्हें एक भी टिकट नहीं चाहिए? नहीं, पर तुम कैसे रहोगे बगैर किसी टिकट के, रोता क्यों है यार, ले इस एल्बम को तू ही रख ले, इतनी मेहनत की है तूने। अब नागराजन जो है राजप्पा को कहता है, नहीं तुम रख लो, लेकर चले जाओ, जाओ चले जाओ यहाँ से। वह चीखता और फूट फूट कर रो दिया। अब उसको क्या हो रहा है, पछतावा हो रहा है कि उसने उसकी एल्बम चुराई और उसको जला भी दिया। अब वो उस चीज को पश्चाताप के लिए उसने अपनी जो एल्बम है नागराजन को दे दी। और तभी वो चिल्ला चिल्ला कर बोल रहा है, ऐसे फूट फूट कर रो कर बोल रहा है। नागराजन की समझ में कुछ नहीं आया, उसको तो कुछ भी नहीं समझ आ रहा था, उसको थोड़ी पता था कि राजप्पा ने उसकी एल्बम चुराई है। वह एल्बम लेकर नीचे उतर गया, कमीज से आंसू आंखें पोंछता हुआ राजप्पा भी नीचे उतर आया। दोनों साथ साथ दरवाजे तक आए। बहुत बहुत धन्यवाद, मैं घर चलूं, नागराजन सीढ़ियां उतरने लगा। सुनो राजू, राजप्पा ने पुकारा। अब ये राजप्पा ने उसको क्या कहा कि राजू सुनो। नागराजन ने उसे पलट कर देखा, एल्बम दे दो, मैं आज रात जी भर कर इसे देखना चाहता हूँ, कल सुबह तुम्हें दे जाऊंगा। फिर वो कहता है कि सिर्फ एक दिन के लिए मुझे दे दे, अब सुबह मैं तुम्हें वापिस कर दूंगा, रात भर देख कर इसे। ठीक है, नागराजन ने उसे एल्बम लौटा दी और चला गया।
राजप्पा ऊपर आया, उसने दरवाजा बंद कर लिया और एल्बम को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो दिया। इसमें क्या है, इस लेसन में क्या बताया है, जो दो मित्र होते हैं उनमें आपस में क्या हो जाती है, ईर्ष्या का भाव प्रकट हो जाता है। इससे हमें क्या शिक्षा मिलती है कि हमें अपने सामान की तुलना किसी दूसरे के साथ नहीं करनी चाहिए और जो है ईर्ष्या का भाव नहीं रखना चाहिए। इस पार्ट को आपने अच्छे से रीडिंग करनी है।